नमस्कार, मैं फ़ारूक नज़म उस्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, उसका एक टॉपिक है कार्बोरेटर, वो डिस्कस करूँगा। कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो फ्यूल को एटोमाइज करता है तथा एयर के साथ मिक्स करता है। फ्यूल को एटोमाइज करने तथा एयर के साथ मिक्सिंग करने की क्रिया को कार्बोराइजेशन कहते हैं तथा इस क्रिया को पूरा करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे हम कार्बोरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे यह प्रश्न आता है कि हमें कार्बोरेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें पता है कि जो पेट्रोल गाड़ी होती है जिसे हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं या SI इंजन भी कहा जाता है, SI इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर तथा पेट्रोल का मिश्रण इंजन सिलेंडर को भेजा जाता है। चूंकि पेट्रोल जो कि तरल अवस्था में है तथा एयर जो कि गैस अवस्था में है, तो दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बन पाना असंभव हो जाता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए पेट्रोल को एक नोज़ल में से गुजारा जाता है, जिससे पेट्रोल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है और एटोमाइज होके वेपराइज होके अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेता है, जिससे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस वेपराइज पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करवा करके इंजन सिलेंडर में भेज दिया जाता है। ये सारी क्रियाएं पूर्ण करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे हम कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। उसमें पहला प्रकार है क्रिया के आधार पर, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन, यानी क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर दो प्रकार से कार्बोरेटर को बांटा गया है। पहला है ओपन चोक टाइप, दूसरा है कांस्टेंट वैक्यूम टाइप। दूसरा वर्गीकरण का आधार है अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, यानी एयर के प्रवाह की दिशा के आधार पर। इसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर, डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन चोक टाइप कार्बोरेटर। क्या होता है ओपन चोक टाइप कार्बोरेटर? वह कार्बोरेटर जिसमें वेंचुरी पेसेज का अनुप्रस्थ काट कांस्टेंट रहे तथा जो मीटरिंग है वह प्रेशर ड्रॉप की वजह से कंट्रोल की जाए। अब यहाँ पे यह प्रश्न आता है कि मीटरिंग क्या होती है? मीटरिंग होती है फ्यूल सप्लाई अकॉर्डिंग टू दी लोड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इंजन के ऊपर लोड बढ़ गया है तो हमें ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी, उस समय कार्बोरेटर ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करे, तथा जब इंजन पे लोड घट गया है तो हमें कम फ्यूल की आवश्यकता है तो कार्बोरेटर कम फ्यूल सप्लाई करे। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं मीटरिंग, यानी फ्यूल सप्लाई एज पर दी लोड रिक्वायरमेंट, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल को सप्लाई करना, ये कहलाता है मीटरिंग। तो मीटरिंग इज अफेक्टेड बाई वेयरिंग दी प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट, यानी कि कार्बोरेटर में वेंचुरी पैसेज का अनुप्रस्थ काट कांस्टेंट है तथा फ्यूल सप्लाई जो है वो प्रेशर ड्रॉप के कारण वेरी हो रही है। इसका उदाहरण है सोलेक्स कार्बोरेटर और जेनिथ कार्बोरेटर। दूसरा टाइप है हमारा कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर। कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर में प्रेशर ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट है,
लेकिन मीटरिंग अफेक्ट हो रही है बाई वेयरिंग दी वेंचुरी पेसेज। ठीक है, इस प्रकार का उदाहरण, इस प्रकार के कार्बोरेटर का उदाहरण है SU कार्बोरेटर। ये सब हम वन बाई वन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इनके इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है अपड्राफ्ट कार्बोरेटर। अपड्राफ्ट कार्बोरेटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अप यानी ऊपर की ओर, वह कार्बोरेटर जिसमें एयर वेंचुरी के नीचे की तरफ से प्रवेश करके पेट्रोल को अपने साथ मिक्स करे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए इंजन सिलेंडर में प्रवेश कर जाए, उस कार्बोरेटर को हम अपड्राफ्ट कार्बोरेटर कहते हैं। इस प्रकार के कार्बोरेटर आजकल बहुत कम प्रचलित हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का कार्बोरेटर है डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, वह कार्बोरेटर जिसमें एयर वेंचुरी के ऊपर से प्रवेश करे और पेट्रोल को अपने साथ मिक्स करवा के नीचे की तरफ लगे हुए इंजन सिलेंडर में प्रवेश कर जाए, उस कार्बोरेटर को हम डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है कि एयर ऊपर से आ रही है, यहाँ पे नोजल से फ्यूल स्प्रे हो रहा है तथा यह स्प्रेड फ्यूल एयर के साथ मिक्स होके इंजन सिलेंडर को भेजा जा रहा है। तो ये हो गया अपना डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। तीसरा टाइप है हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर वह कार्बोरेटर होता है जिसमें एयर हॉरिजॉन्टल दिशा में बढ़ती हुई वेंचुरी पेसेज में प्रवेश करे तथा पेट्रोल के साथ मिक्स होके इंजन सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल दिशा में ही प्रवेश कर जाए, ऐसे कार्बोरेटर को हम हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ बोनेट स्पेस लिमिटेड हो, दैट मीन्स बोनेट के अंदर जहाँ इंजन लगा हुआ होता है वहाँ पे वर्टिकल हाइट लिमिटेड हो, तो हम डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर काम में नहीं ले सकते, वहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर ही काम में लेना पड़ेगा। नाउ फंक्शंस ऑफ कार्बोरेटर, एक कार्बोरेटर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बतलाया कि कार्बोरेटर का सर्वप्रथम कार्य होता है होमोजीनियस मिक्सर तैयार करना। तो होमोजीनियस मिक्सर किसका तैयार किया जाएगा, एयर और फ्यूल का। तो पहला कार्य हो गया मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। ओके, तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें पता है कि फ्यूल जो कि तरल अवस्था में, उसको गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें उसको एटोमाइज करना पड़ेगा। तो ये एटोमाइजेशन और वेपराइजेशन का कार्य भी कार्बोरेटर करता है। तो दूसरा कार्य हो गया अपना एटोमाइज दी फ्यूल। तीसरा है मीटर दी लिक्विड फ्यूल एंड सप्लाई टू दी इंजन एज पर दी इंजन रिक्वायरमेंट। ये भी मैंने पूर्व में बताया था कि इंजन पर जब लोड बढ़ता है या घटता है तो हमें ईंधन की आवश्यकता लोड के अनुसार ही पड़ती है। मान लीजिए अगर हमारे इंजन पर लोड बढ़ गया तो हमें ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी, और अगर लोड घट गया है तो हमें कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो ये लोड के अनुसार फ्यूल सप्लाई मेंटेन करने का कार्य भी कार्बोरेटर करता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एक कार्बोरेटर को करने पड़ेंगे या करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल कार्बोरेटर। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सोलेक्स कार्बोरेटर और SU कार्बोरेटर भी डिस्कस करूंगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंपल कार्बोरेटर डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल कार्बोरेटर आज किसी भी गाड़ियों में नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ एक एलिमेंट्री कार्बोरेटर है जो कि कार्बोरेटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं इनको समझाने के लिए काम में लिया जाता है। तो किसी भी सिंपल कार्बोरेटर के जो मेजर पार्ट्स हैं या मेन पार्ट्स हैं वो चार हैं। पहला है फ्लोट चैम्बर, दूसरा है नोजल विद मीटरिंग ओरिफिस, तीसरा है वेंचुरी और चौथा पार्ट है थ्रोटल वाल्व। ये मैं अभी आपको डायग्राम में शो करता हूँ। यह आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हो गया हमारा फ्लोट। ठीक है, ये दूसरे वाला हिस्सा है, ये हो गया हमारा
ये ट्यूब्स ही आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूब जो है ये हो गई नोजल विद मीटरिंग ओरिफिस। तीसरा पैसेज मैंने बोला था वो था वेंचुरी, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये होता है अपना वेंचुरी, और फोर्थ था ये थ्रोटल, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट चैम्बर की। फ्लोट चैम्बर ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा फ्लोट चैम्बर। इस फ्लोट चैम्बर के अंदर, फ्लोट चैम्बर के अंदर एक फ्लोट होता है, उस फ्लोट के साथ ऊपर एक नीडल वाल लगा हुआ है। नीडल वाल फ्लोट के ऊपर उठने के साथ साथ ऊपर उठेगा और फ्लोट के नीचे आने पे वापस नीचे आ जाता है। यहाँ सबसे पहले इस सर्किट को समझते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले फ्यूल फ्यूल टैंक से प्रवेश करता है, यहाँ से फ्यूल प्रवेश करता है। तो फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का तल ऊपर उठता है जिससे ये फ्लोट अपने निर्धारित स्थान से ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे ये नीडल वाल भी ऊपर की ओर मूव करता है। जब फ्यूल का तल एक निर्धारित अवस्था में पहुंच जाता है तो फ्लोट पूरा ऊपर उठकर नीडल वाल को अपने साथ ऊपर उठाकर फ्यूल सप्लाई का ये जो वाल लगा हुआ है इस वाल को बंद कर देता है, जिससे फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में आ जाती है यानी कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, तो फ्यूल की खपत होनी शुरू हो जाती है, जिससे फ्लोट के अंदर, फ्लोट चैम्बर के अंदर ईंधन का तल कम हो जाता है, जिसके कारण फ्लोट वापस नीचे की ओर मूव करता है, जिससे नीडल वाल भी नीचे की ओर मूव करेगा और फ्यूल सप्लाई वापस शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सर्किट कार्य करता है कि ईंधन का तल एक निश्चित लेवल तक बनाए रखता है। जब उस निश्चित तल से कम अगर ईंधन का तल हो जाता है तो फ्लोट नीचे की ओर मूव कर जाता है, जिससे फ्यूल फ्लोट चैम्बर में प्रवेश कर जाता है, तथा जब फ्यूल इस निश्चित तल तक पहुंच जाता है तो फ्लोट ऊपर उठ के नीडल वाल के साथ इस फ्यूल सप्लाई के मार्ग को बंद कर देता है। ठीक है, दूसरा था अपना नोजल या डिस्चार्ज जेट। नोजल या डिस्चार्ज जेट इस फ्लोट चैम्बर के साथ कनेक्ट है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं फ्यूल इस पेसेस से होता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, जब फ्यूल इस जेट से गुजरता है तो वह एटमाइज हो जाता है यानी कि अणुओं में विभक्त हो जाता है और यहाँ पर एयर प्रवेश कर जाती है इस पाइप के अंदर। फिर एयर, ये जो आप पैसेज देख रहे हैं ये कहलाता है हमारा वेंचुरी। वेंचुरी क्या होता है कि कंटिन्यूसली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जोन होता है, और ये जो यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल आप देख रहे हैं वेंचुरी में, ये हिस्सा कहलाता है वेंचुरी का थ्रोट, जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल रहता है। जब यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी फ्लूड को या द्रव्य को मिनिमम क्षेत्रफल से गुजारते हैं यानी उसका क्षेत्रफल को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ पे उसका दाब कम हो जाता है तथा वेग बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत पे हमारा कार्बोरेटर कार्य करता है। जब एयर इस वेंचुरी थ्रोट में से गुजरती है तो इस थ्रोट के ऊपर एयर का प्रेशर डाउन हो जाता है तथा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो इस कम दाब के कारण फ्यूल इस फ्लोट चैम्बर से नोजल जेट के थ्रू वेंचुरी पैसेज में स्प्रे के रूप में बाहर आता है।
ठीक है, यह एटमाइज हुआ हुआ फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर थ्रोटल वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर को भेज दिया जाता है। यह एक प्रकार का ओपन चोक कार्बोरेटर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चोक हमेशा ओपन है, एयर हर समय इस पाइप में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तथा जो फ्यूल सप्लाई है वो दाबांतर के कारण हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लोट चैम्बर है, फ्लोट चैम्बर के ऊपर की तरफ दाब है, वेंट के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वेंचुरी पैसेज में या वेंचुरी मार्ग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वेंचुरी मार्ग में जो दाबांतर है या दाब है वह वायुमंडलीय दाब से कम है। इस दाबांतर के कारण फ्यूल नोजल या डिस्चार्ज जेट से स्प्रे के रूप में बाहर आता है, और एयर जो कि वेंचुरी पैसेज से गुजरती है तो उसका दाब कम हो जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इस हाई स्पीड एयर के साथ मिक्स होकर थ्रोटल वाल्व के थ्रू सिलेंडर को भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये साधारण कार्बोरेटर कार्य करता है, ठीक है। तो आज के लिए हमें इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलेक्स कार्बोरेटर। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।